हरियाली थाली, क्योंकि हम सबसे पहले साबुदाने गला लेते हैं, और करीब हमने 250 ग्राम साबुदाने लिए हैं और इसको हम गलाएंगे। दो पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे दो पानी से, उसके बाद इसको साबुदाने को गलाएंगे। आप लोग इस तरीके कोई भी बर्तन लें जो चौड़ा हो और इस तरीके से बर्तन में गलाएं साबुदाना, तो काफी अच्छा गलेगा। और कम से कम 2 से 3 घंटे पहले का साबुदाना गला देंगे तो आपकी खिचड़ी और जो भी आप बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगा, और साबुदाना खिचड़ी बढ़िया खिली खिली बनेगी। कम से कम 3 घंटे, ना तो 4 घंटे तो गला ही होने चाहिए साबुदाने के लिए। और साबुदाने में इतना पानी होने चाहिए, देखिए आप लोग दिखा रहा हूँ इतना पानी है, इतना तक पानी होने चाहिए, आपके साबुदाने बहुत बढ़िया गलेंगे और बहुत बढ़िया खिचड़ी बनेगी आपकी। तो चलिए कम से कम चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। मैं फरियाली थाली जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के लिए फरियाली थाली, और फरियाली थाली में आप लोगों मेन मेन आइटम दिखा रहा हूँ, पूरे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों दिखाते किस तरीके से बनाएंगे। तो हमने लिए शकलकंद लिए हैं, ये देखिए शकलकंद, और जो कि स्वीट पटाटो भी बोलते हैं, और फ्रूट, और साबुदाना गला के रखा है, और कोकोनट, ड्राई फ्रूट जो कि ये हम आइटम बनाएंगे, और ये आटा है हमारे पास, देखिए राजगीरे का आटा और सिंगाड़े का आटा, तो इनसे हम आइटम बनाएंगे, और स्वीट पटाटो से सब्जी बनाएंगे और कबाब बनाएंगे। तो जरूर ट्राई करना और आप लोगों को दिखाते किस तरीके से बनाएंगे। तो सारे आइटम तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ बनेंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, तो चलिए आप लोगों एक एक करके दिखाते हैं। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और आप लोगों को बहुत सारी हम इंडियन करी की लिंक दे देंगे, थाली की और सेव भाजी जरूर देखिएगा और काफी टेस्टी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम साबुदाने में तड़का लगाएंगे और साबुदाने दिखाएंगे आप लोगों को खिला खिला मार्केट जैसा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साबुदाने को बना लेते हैं और स्वीट पटाटो को पका लेते हैं, और 1 टीस्पून हम देसी घी डालेंगे। आप देसी घी में चाहो देसी घी भी बना लीजिए, चाहो आप चाहते तेल में तो तेल में बना लीजिए। और हमने देसी घी डाला 1 टेबल स्पून, और चलिए हम जीरा डालते हैं, और 1/2 टीस्पून हम जीरा डालेंगे, और 1/2 टीस्पून जीरा डाला हमने, और 1 टीस्पून ग्रीन चिली डालेंगे, और करीब हम 200 ग्राम साबुदाने बनाएंगे। बाजार जैसी खिचड़ी कैसे बना सकते आप लोगों दिखाते हैं। और मैंने साबुदाना लिया था, साबुदाना डाल देते हैं, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है ग्रीन चिल्ली, और ये देखिए, और साबुदाने को पका लेंगे इसमें इस तरीके से। और चलिए साबुदाना को हम निकाल लेते हैं, तड़का लगा दिया भाई, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें हम साबुदाना, और देखिए इसे हम निकाल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप मार्केट जैसे साबुदाना खिचड़ी कैसे बना सकते हैं। हमने साबुदाने निकाल लिए, इस पतीले में हमने पानी रखा, और ये जो हमने साबुदाना है इस पतीले में लिया, और इसको स्टीम करेंगे इस तरीके से, इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे, ये देखिए पानी के अंदर इसे रख दिया, और इसको हम ढक देते हैं, और हमारा साबुदाना एक एक साबुदाना रहेगा और बढ़िया पकेगा। तो फिर आप लोग दिखाते बस दो, और देखिए हमारा साबुदाना जो पक चुका है, और हम गैस बंद कर देते हैं, फिर आप लोग बना के दिखाते हैं खिचड़ी डालते हैं। तो हमें शक्कर की जरूरत नहीं है, अगर हम ये नहीं डाले तो हल्का सा हमें शक्कर भूरा चाहिए। सबसे पहले हम साबुदाना डाल देते हैं, करीब और जो साबुदाना हमारा 100 से 150 ग्राम है, और हम मिक्सचर डाल देंगे 2-2 टेबल स्पून, दोनों मिक्सचर डाल दिए हमने 2-2 टेबल स्पून। सॉल्ट स्वाद अनुसार डालें आप लोग, हम 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। पटाटो आप लोग तड़का लगाते समय भी पटाटो डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। तो हमने आलू डाला, अनार के दाने, थोड़ा सा लेमन, इसको हम मिक्स करेंगे। कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, चले हमने मिक्स कर लिया है, और ये देखिए पूरे बाजार की तरह एक एक दाना, और इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और ये हमारे देखिए साबुदानों की खिचड़ी रेडी, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और पटाटो पका लेते हैं,
तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा देसी घी, और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। जो स्वीट पटाटो दही वाली सब्जी बना रहा हूँ, काफी जो अच्छी लगती है, वो फास्ट के लिए तो काफी अच्छी है और फास्ट में खाने चाहिए। और गर्मियों में नवरात्रि है तो थोड़ा सा तो उसमें खानी चाहिए नवरात्रि में। तो चलिए हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए जीरा डाला हाफ टी स्पून, इसी ग्रीन चिल्ली हाफ टी स्पून, ग्रीन चिल्ली से। और चलिए हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा पानी, और हम कट डालेंगे दो तीन चम्मच दही डालेंगे। ये देखिए दही डाला, लगा के खाना है। और हमने ये स्वीट पटाटो डाल दिए और सॉल्ट डालेंगे, फरियाली नमक डालेंगे, फरियाली नमक डालेंगे। और ये हमने फरियाली नमक डाला, हमेशा चेक करके डालें, स्वाद अनुसार डालें नमक आप लोग। और हमारी सब्जी रेडी, स्वीट पटाटो की सब्जी, और वो भी हमने कर्ड के अंदर बनाई, काफी टेस्टी लगती है, जरूर ट्राई करें। और चलिए हम धनिया डाल देते हैं, हमने कोरिएंडर डाला और हमारी सब्जी रेडी। और पूरे आप लोगों हम नवरात्रि की थाली दिखा रहा हूँ, फास्ट की थाली बना रहा हूँ। और चलिए हमारी स्वीट पटाटो सब्जी रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों कैसी लगी हमारी थाली। पका लेते हैं पटाटो को, कबाब बनाएंगे और काफी टेस्टी बनता है। जो स्वीट पटाटो हमने ब्लांच किया था उसको उबाल लिया है और छील लिया है, इसको मैश कर लेते हैं। हमें चाहिए ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश और काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो होता है ठंडा होता है, और कोरिएंडर। तो चलिए हम बनाते हैं। स्वीट पटाटो को मैश कर लेंगे, और करीब हमने 100-150 ग्राम लिया है स्वीट पटाटो, और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे, चॉप कोरिएंडर और चॉप चिल्ली, हाफ टी स्पून चॉप चिल्ली और रेड चिल्ली पाउडर, फरियाली सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश, और ब्लैक पेपर क्रश डाला। आप लोग खाते हैं तो थोड़ा सा कैरेट डाल दीजिए, तो मैश कर लेते हैं। थोड़ा राजगिरे का आटा डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा ढीला रहेगा, तो राजगिरे का आटा डाल देते हैं 2 टीस्पून, 2 टीस्पून राजगिरे का आटा डाल दिया और हमने मिक्स कर लिया है और सबका मिक्स करके। और अब इसका बना के दिखाते हैं। प्लेट के अंदर हल्का सामने जो कि राजगिरे का आटा डाल दिया है, और इस तरीके से हल्का सा घी लगा लेंगे हाथ में, और उससे चिपकेगा नहीं, और इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, और इस तरीके से टिक्की बना के हम जिस शेप में चाहें आप इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे। ये देखिए घी का वो करेंगे, देख थोड़ा सा घी डालेंगे, हमने तवे पे थोड़ा सा घी लगाया और तवे पे चारों तरफ इस तरीके से हम घुमा लेंगे ते हैं। इस तरीके से हम कटलेट को भी शीशी में से इस तरीके से ही सेकेंगे, बड़े को भी इस तरीके से सेकेंगे, और इसको भी टिक्की को भी इस तरीके से इस पे ग्रिल करेंगे हम। ये देखिए हम इस तरीके से पलटी कर लेंगे, ये देखिए, और इसको भी इस तरीके से पलटी कर देंगे हम। फ्राई किसी चीज को नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसको जो है तवे में ग्रिल करेंगे, क्योंकि फ्राई का ऑयल ज्यादा आता है। और इस तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। ऐसा आप लोग भी बना सकते हैं, और हमारे रेडी, और इसमें तेल घी कुछ भी नहीं है, देखिए, और रेडी हो गए। और देखिए हमारी टिक्किया रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो, काफी टेस्टी लगती है। और इसको ग्रिल करा हुआ है तो हल्का सा काला दिखेगा आप लोगों के लिए, लेकिन काफी टेस्टी होता है, जरूर ट्राई करिएगा। हमारी रेसिपी अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा साबूदाना गला लिया है, 2-4 दाने पीनट के लिए, थोड़ा सा चॉप चिल्ली, थोड़ा कोरिएंडर, थोड़ा सा आलू और सेंधा नमक और रेड चिल्ली पाउडर और जीरा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने आलू लिया है करीब
दो एक आलू लिया उबला हुआ 25 ग्राम, और करीब 50 से 60 ग्राम साबूदाना, और 4-5 पीस बन जाएंगे इसमें। और थोड़े से पीनट डालें, चॉप चिल्ली डालेंगे ये 1/2 टीस्पून के 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा जीरा, कच्ची जीरा डालेंगे, और सॉल्ट स्वाद अनुसार, नमक सेंधा नमक, हरियाली सॉल्ट, और चिल्ली पाउडर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, और कोरिएंडर, और इसमें थोड़ा सा पीनट डाल देते हैं, डाला, दो चार दाने शक्कर के, ये देखिए हमने थोड़ा सा शक्कर डाल दी, और शक्कर गुड़ा तो शक्कर गुड़ा डाल दीजिए। जब भी आप लोग बनाए इसके लिए तो हल्का सा हाथों में घी लगा लें, और फिर बनाए कटलेट बना लिए, देखिए इस तरीके से हम कटलेट बना लेंगे। कटलेट के लिए इस तरीके से लंबा कर लेंगे और इसको ऐसे दबा देंगे, ये देखिए, और थोड़ा पीछे से इस तरीके से दबा लेंगे और ऐसे कर देंगे, और ये हमारी कटलेट रेडी हो जाएगी, ये देखिए ऐसे, और ये हमारी कटलेट, हमारा बड़ा, ये हमने बड़ा रेडी कर लिया कटलेट के। गर्मियों के टाइम में तो ऑयल और घी से थोड़ा सा वो होता है, और सबको हम ग्रेट उसमें करेंगे, थोड़ा सा हम घी का वो करेंगे, देख थोड़ा सा घी डालेंगे हमने तवे पे, थोड़ा सा घी लगाया और तवे पे चारों तरफ से हम घुमा लेंगे ते हैं। आप लोग उबले लेकिन काफी टेस्टी होता है, जरूर ट्राई करिएगा। हमारी रेसिपी अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा नवरात्रि हरियाली थाली फूड खीर, साबूदाना ड्राई फ्रूट खीर बनाएंगे, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। साबूदाना हमने एक गला के रखा है, और शक्कर, थोड़ा सा दूध मसाला, और ड्राई फ्रूट, और दूध, और कोकोनट, साबूदाना ड्राई फ्रूट खीर, और काफी टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा दूध गर्म हो गया, और करीब हम इसमें 100 ग्राम साबूदाना डालेंगे, और 2 से 3 लोगों काफी हो जाएगा 100 ग्राम साबूदाना की खीर। और आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं थाली, चलिए हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, और ये देखिए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, साथ में पकाएंगे ड्राई फ्रूट के लिए काजू और बादाम और किशमिश, थोड़ा थोड़ा जितना आपको डालो उतना डाल सकते हैं आप लोग, और 4 टीस्पून शक्कर डाल देंगे, और आप लोग मीठा जितना खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, जो फ्रेश कोकोनट का हमने ग्रेट करा है 4 टीस्पून, और काफी टेस्टी लगता है, साथ में पकाएंगे अच्छे से। 1/2 टीस्पून दूध मसाला, जिसमें इलायची केसर वगैरह सब मिक्स होता है, मिक्स फ्रूट जूस, हमारा जूस रेडी, बनाना शेक, और आप लोगों को दिखाएंगे बनाना शेक, काला नहीं पड़ेगा, तो हम दो पीस बनाना लेंगे, ये देखिए 2 पीस बनाना लिए, दूध डालेंगे, हमने दूध डाला, और जो हमने बोला था दूध मसाला ये डाल देंगे, इससे हमारा बनाना शेक काला नहीं पड़ेगा, ये देखिए शक्कर, 2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे, सिका हुआ जीरा, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं आप लोग, अगर फीका लग रहा है तो हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल दें, और इसको फेंट लेते हैं, और थोड़ा सा कुकुम्बर, ये देखिए कुकुम्बर डाल दिया हमने, और हमारा रायता रेडी। और आपका दही खट्टा है तो आप थोड़ी सी इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। आएंगे बटर मिल्क, 50 से 60 ग्राम हमने दही लिया, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा स्पून 1/2 टीस्पून, तो फेंट लेंगे, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर डाला, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हरियाली सॉल्ट, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से आप वो बेल सकते हैं। हमारी रोटी रेडी, सेक लेते हैं रोटी के लिए, पन्नी के अंदर रख के इस तरीके से बेल लें, और ये देखिए, और कोई भी चीज है उस चीज से आप लोग गोल निकाल सकते हैं, इस तरीके से काट भी सकते हैं, ये देखिए, और ये हमारी रोटी रेडी, और ये देखिए इस तरीके से आप लोग, और देखिए इस तरीके से बेल सकते हैं आप लोग,
देखिए कितनी बढ़िया बिलती है, और इसको इस तरीके से हम काट लेंगे और हम रोटी पूड़ी जो भी बनाना है बहुत बढ़िया बनेगी। और हम बनाएंगे पराठे, पूड़ी नहीं बनाएंगे, पराठे बनाएंगे और रेडी। चलिए थोड़ा सा हमने घी लगा लिया और इसको हमने राजगीरे के पराठे, और इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं राजगीरे के पराठे। देखिए हमारे पराठे रेडी, और पूड़ी से अच्छे पराठे होते हैं, ऑयल कम होता है उसमें पराठे में, और ये रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं राजगीरे की रोटी, राजगीरे की पूड़ी, राजगीरे के पराठे। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चलिए सीख चुके हम निकाल लेते हैं, और ये देखिए रेडी। चलिए हम रोटी सेक लेते हैं, और हमारी रोटी भी रेडी। और चलिए हमने सेक लिया, अब तवे पे सेक लिए, और आप लोग दिखाते गैस पे सेक के, जाली पे भी आप सेक सके। ये देखिए इस तरीके से आप लोग जाली पे सेक सकते हैं रोटी, ये देखिए। और कितनी बढ़िया राजगीरे की रोटी, कितनी बढ़िया राजगीरे की रोटी फूल गई है। चले साबूदाना खिचड़ी, और ये रेडी। और थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर लेते हैं, और ये हमारी स्वीट पटाटो की सब्जी रेडी, फूड खीर। और चल बन चले एक, और चले कोई तो चले, और चले हमारी नौराती फरियाली थाली रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और हमने राजगीरे के पराठे बनाए, और राजगीरे की रोटी, कटलेट एंड बड़ा, और स्वीट पटाटो के कबाब, जो कि आप लोग कुछ बना सकते हैं स्वीट पटाटो कबाब एंड स्वीट पटाटो की दही वाली सब्जी, खिचड़ी एंड साबूदाने की ड्राई फ्रूट खीर, और कुकुम्बर रायता, प्लेन कर्ड, बटर मिल्क, और मिक्स फ्रूट जूस, और बनाना शेक। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना।